करके मनवाने वाले हरियाणा सरकार में कद्दावर मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी से वो आए और आपसे वोट की अपील करें। जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत। आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय तीर्थाकरण की मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथीगण, मित्रगण, मैं लीलू पहलवान जी को, भाई विनोद जी को, बहुत बहुत अशोक बैसा जी को कहते टीक दुपहरी। टीक दुपहरी में कार्यक्रम मैंने की, या तो कोई जाट करा सके या गुजर करा सके, मैंने की इतना मैं बधाई दे रहा हूं इस बात को, मैं खुश हूं। मैं गुर्जरों का ब्राह्मण हूं, ये बहुत बड़े संघर्ष की बात है। ठीक दोपहरी हो, हवा का एक मोना चलता हो, मैं सभी इन दोनों साथियों का तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं। मेरे बीच में मेरे छोटे भाई राकेश गुर्जर 40 नंबर वार्ड से पार्षद मेरे साथी हमारे बीच में है, जिसने हरी विहार के छचे पानी को नाम निशान खत्म करने का काम करा। मेरे विनोद सरपंच जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं और जो विधानसभा के प्रतिनिधि से टिकट मांग रहे थे, कोई बात नहीं, आगे आएगा। और आज पूरे लोकसभा में काम कर रहे हैं विनोद भाटी जी, सरपंच है और जिला परिषद भी यही रहे। बहन सुप्रेश जी हमारे बीच में है, भाई हरिंदर जी भाटी आपके साथ ही ये पाप पार्टी छोड़कर पूरी टीम के साथ 2014-19 में आप पार्टी के साथ हमारे पास चुनाव लड़ा था। और आदरणीय हमारे महावीर सैनी जी निगरानी कमेटी के चेयरमैन, विधानसभा के कमेटी के चेयरमैन भाई बुद्धा सैनी जी हमारे बीच में हैं, भाई कौशल जी हमारे बीच में हैं, कौशल जी कौन है, सुषमैन जी, दीक्षित जी और भाई लखनमन का संचार कर रहे हैं, भाई हमारे दर्शन ठाकुर हमारे बीच में है, भाई रविंदर जी हमारे बीच में है, ओम प्रकाश शास्त्री जी हमारे जो कई बार में कार्यक्रम और पुराने यहाँ कार्यक्रम के प्रधान रहे, भाई आदरणीय बबल पहलवान जी, महेश यादव जी, पुनीत नागर जी, विशाल यादव जी, हरीश प्रधान जी, टी आर शर्मा जी, विपिन यादव जी, नवल किशोर जी, केवल जी, भाई वीर सिंह नंबरदार जी, रमेश सरपंच जी, रमेश नागर जी, गिरिराज सरपंच जी, भाई धर्मेंद्र फोरमैन, आजाद मास्टर, संतराम शास्त्री, तिगाम वाले, अंकित तवर, अंकिल वाले, भाई कुछ कपासिया, भाई सचिन कपासिया, अन्नू तवर, भाई प्रथम मिधुड़ू जी, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, ओम प्रकाश शास्त्री, सुशील बंसल जी, बहन द्रोणाचार्य, भाई अपने सुषमा यादव जी और सभी बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और काई का नाम रहेगा हो तो भाई बुरा मत मानना, सुबह से शाम है मेरी 16-16 जनसभाएं, गला भी बैठा आपकी मेरी ऐसे आज 15 दिन हो गए लगा। मैं एक बात आपसे करने तीर्थाकरण लेके गया, जो व्यक्ति ये कहता है कि तीर्थाकरण में काम ना, उन व्यक्तियों को ये पूछना जिस जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जमीन 20-25 करोड़ का किला बेच रहे हैं, वो किसके कारण बेच रहे हैं? अरे बताओ ना, जो 25 करोड़ का किला बेच रहे हैं, जिन मकान के जो उनके पूर्वजन ने 2-2 हजार में किला दिया उनसे 30-30 हजार रूपये ले रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? भाई हाथ उठा के बताओ, कोई गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये मूलचंद शर्मा ने डी नोटी पे कहा 75 एकड़, एक किला के पैसा उठा लिए ना, और एक किला में प्लॉटिंग कर दी, एक किला के पैसा उठा लिए, एक के जमा कर दिए, 45 लाख रुपया भरे और 30 करोड़ कमा रहे, तो जाने ना इनको, इन्हें जानने में कमी क्या लिखनी पड़ेगी हिस्ट्री के इतिहास से? ये मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कारण है, न कोई पूछता भी ना। आपकी 75 एकड़ जमीन
75 एकड़ जमीन डिनोटिफाई कराई और 75 एकड़ जमीन में 75 एकड़ जमीन लोगों को ही नहीं पता मकान कब तक है, कब टूट जाएगा, मकान रहेगा या ना रहेगा। आज हरियाणा में ऐसी जमीन है, हरियाणा में पूछे गुड़गांव में जाकर राकेश दौलताबादिया चला गया, राकेश दौलताबादिया कहता कहता मर गया कि मेरी जमीन को इस तरह कर दो जैसे मूलचंद शर्मा ने पल्लागढ़ में डी नोटिफाई कराई है, इस तरह जमीन को कर दो। मैं सुषमा मैं सीमा तिरखा जिसकी जमीन आज भी 11D की बड़खल के नीचे, बड़खल गांव के नीचे, आज तक वो मकान के मालिक नहीं है। 40 वर्ष हो गए मकान के मालिक नहीं है। सीमा कहती कहती मर गई, भैया मेरी भी कॉलोनी है करा दो। आज हरियाणा की पहली कॉलोनी, कहते काम नहीं हुआ, आज मकानों का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मकानों का मालिक बनाने का काम। आज किसी दुकान पे 100-100 मकान काट के 100-100 गज के आज गरीब को उनके दादा ने नाम किया तो 20-20-30-30 हजार रुपया गज भारतीय जनता पार्टी के नाम से ले रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है क्या? ये हाथी जैसा हाथी जोड़ थी, हाथियों की तरह। तो 11 लाख की मिट्टी गिराई, 11 लाख की मिट्टी 20 लाख बनाने पे लगाए और उसके बाद क्या हुआ? ए भैया 21 लाख उसे लगाने का लगा, 4 दीवार कराई, बाउंड्री कराई, फंस कराया, मगर काम नहीं हुआ। सीवर गया, पानी गिरा, रोड बनाई, आरएमसी बनाई, काम नहीं हुआ। आरएमसी एक मीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और वो लोग कह रहे हैं जिनपे काम कराया मैंने, वो कहते हैं जो काम कराए वो कह रहे हैं, थोड़ी शर्म रखो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान की लाठी में बड़ा दम है। यार लाठी मलाई तो शास्त्री में कहीं खाने ना दूंगा, कहते हैं मेरी मलाई है खाएगा भागेगा नहीं, कहीं ना कहीं मार खाएगा। एक आई मलाई खाने, एक आई मेरी मलाई खान, 14 में मूलचंद की मलाई खा लो बीजेपी आ रही है, फिर भागी, फिर 19 माई मलाई खाने, फिर ना मिली, फिर रही 3 साल, फिर भागी, और फिर वहां पे भी बाय बाय होगी, चलो अपने मलाई खाने वाले, मलाई नहीं खाने देगा कोई। अंतिम पड़ाव है राजनीति का, अंतिम पड़ाव, मलाई कोई नहीं खाने देगा। ये सेना के सेनापति तैयार होने वाले हैं, अगली पीढ़ी को राजनीति सौंपने वाले हैं, और मलाई खाने देगा? मलाई के चक्कर में एक बार क्या है, जून का महीना था, जंगल बड़ा वीरान था, और जंगल में कृपा की दया से बारिश पड़ गई, तालाब भर गया, और तालाब में हिरण पानी पी गया। फिर जून का महीना आया, वहां की फिर बारिश है, अच्छा जून हरिया जब अगले साल हिरण आया तो सूखा पड़ी लू चलनी, हिरण ने कहीं तो पानी के चक्कर में पानी ही पी के गया, हिरण ने अपनी जान गंवानी पड़ी, भाई मैं आज से भी वहां पानी पीऊंगा और वहां भी पानी न मिलेगा। इनकी हालत ऐसी होगी जो भाग भाग के छोड़ रहे ना, हिरण जैसी हालत होगी, कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो पहले पानी के पहले तो पी गए 5 में पानी है, अब पानी मिलने वाला है। नौ में भी सेटिंग मार गए उधर उधर से, अब पानी नहीं मिलेगा कहीं, अब सेटिंग नहीं होगी। मोदी और मनोहर का कृपा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ऐसे मित्रों आपसे कहने के लिए आया हूं, आपकी सड़क बनाई, आपकी सीवर बनाई, आपके यही मंदिर है, मंदिर की जगह हटाई और मंदिर को 11 लाख दिए, 15 लाख दिए, नाना बात में दिए मैंने, चलो 11 हैं, 15 हैं, 7 हैं, जो भी है, आपके सोसाइटी के लिए मैंने, संस्था के लिए दिए, प्रधानों को दिए या कि कटाई के लिए, और मैंने 3.5 लाख रुपया दिए प्रधानों को दिए,
साफ सफाई के लिए उन प्रधानों को दिए। मैंने इस बात के पैसे दिए उनको कि तुम घास की कटिंग कराना, तुम साफ सफाई रखना, तुम यहां की व्यवस्था रखना, कोई बल्ब फ्यूज हो जाए बल्ब लगा देना। मैंने इसलिए नहीं दिए थे, वो खाते में डाल के रखे हैं। मैंने इसलिए पैसे दिए थे कि कहीं काम कभी हो जाए, कोई बेंच टूट जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई 10 रुपया का वेंट करा ले, कोई जिम टूट जाए उसे ठीक करा ले। मित्रों, मैं तो एक ही बात कहने के लिए आया, हम 2027 का बल्लभ लेके चल रहे, 2027 का बल्लभ ऐसा बल्लभ हुआ जिसको लोग देखेंगे कि 2027 का बल्लभगढ़ ऐतिहासिक बल्लभगढ़ होगा। दो दो कॉलेज, 10-10 स्कूल, 25-25 सामुदायिक भवन, 7 नहरों के पुल, 2 रेल के पुल, ऊंचे गांव का नहीं, रेल का पुल, सोना का पुल, मुंजेसर का पुल और 250 करोड़ का एलिवेटेड पुल। और बहन सुषमा स्वराज के नाम से बड़ा कॉलेज, 3000 बेटियां पढ़ रही, बढ़ रही है ना। और उसी के साथ 1.5 एकड़ में हॉस्पिटल, ये सब विकास नहीं है भाई। विकास की बात है कि ठेकेदार ने माल चीखा नहीं, अब माल तो मिलता नहीं मोदी की सरकार में, खर्ची और पर्ची सारी बंद कर दी मैं उसी। अब एमएलए भूखे ढोलने, एमएलए ने कहा मिल जाएगा। अब क्या है कि खर्ची और पर्ची बंद होगी और तिरखा कॉलोनी में तो नायब तहसीलदार भी लगे बिना खर्ची बिना पर्ची लगे ना, आपके डी ग्रुप के लगे, आपके बिना उसके लगे। मैं तो एक ही बात आपसे कहने के लिए, बल्लड़ का विकास किया, बल्लड़ का विकास करेंगे, ये विकास का चक्कर नहीं रुकेगा। और बल्लड़ का मैं आगे का लक्ष्य आपको और बता रहा हूं, विधानसभा की ओर से पहले एक ही काम है, बड़ी बड़ी सीवर 24 इंची पूरी तिरखा करो की बड़ी सीवर लाइन में से तब्दील हो, सीवर डलवाएंगे और इसको आरएमसी में तब्दील कराएंगे। पार्षदन में तो अपनी तनख्वाह को पैसा ना, निगम में जितना पैसा आता है कि अपनी तनख्वाह ना बटे, अपनी तनख्वाह का पैसा नहीं है। मैं तो मनोहर लाल का धन्यवाद करूंगा कि मनोहर लाल ने जो 133 करोड़ रुपया, 145 करोड़ रुपया, 70 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ जो मनोहर लाल ने अपनी सरकार से हमें पैसा दिया, ये विकास हो गया। नगर निगम पहले ना ही, ये राकेश गुर्जर पार्षद, यहाँ के पार्षद गवर्नर थे कमल था, कमल तो हरिविहार सुभाष गवर्नर तो घर छोड़कर भाग आया, कहते ना इतना पानी छह जयपुर बातें छोड़ के शरण पाली 3 सेक्टर में आके मिला नहीं थे, मरण में नहीं मिले थे। आप विकास की बात कर रहे हो, जितने बाड़े हैं, ईवाड़ा, कुमरबाड़ा, चमनबाड़ा या ब्राह्मणबाड़ा, बनियावाड़ा, 55 साल तक सीवर पानी, पहले सीवर बदला, पानी की लाइन बदली, फिर आरएमसी रोड में खम्मा लगवाए, खम्मा पे तार बदले, तार बदल के लाइट लगवाए, ये विकास हुआ है। मोहना रोड डबल बनाने का काम करा, तिगाम रोड डबल बनाने का काम करा और पंडित पैलेस से सी तक नाले को छोटा बनाएंगे और उसको आरएनजी रोड दाना पानी तक लेके जाएंगे सी के पुल पर। सेक्टर तिगाम से लेके नारसिंह तक 7-8 के चौक तक डबल रोड बनाएंगे, बीच में लाइट लगाने का काम करेंगे। तिरखाकरण के पार्क को सुंदर बनाएंगे कि शपथ लेने से, विधानसभा की शपथ से पहले तिरखा कॉलोनी के पूरी जमीन को अपने कब्जे में लेंगे और जो कब्जे करने वाले मैं बाहर करूंगा उसे पार्क बनाने का काम करूंगा। मुझे पता है पांच साधन के इनका कोई चुनाव चले लेते नहीं, ये कोई ठगी में डलने को प्लॉट खाली मिल जाएगा, कोई ठगी में कोई प्लॉट खाली मिल जाएगा, वहां पे कब्जा कर लेंगे, चुनाव का खर्चा निकल जाएगा।
इन्हें कोई विकास से लेना देना नहीं है, कोई विकास इनका कहना नहीं। मैं आज से नहीं जानता, मैं बहुत पुराना इससे जानता हूं। और 3 एकड़ जमीन है ना, 3 एकड़ जमीन है, उसे पार्क बनवाऊंगा, उसे पार्क बनाकर उसे बना के दूंगा आपको हुड्डा की। उसका भी ध्यान रखना, कोई कब्जा ना कर ले। 250 गज के, 500 के 10 प्लॉट पड़े हैं, उन पे भी ध्यान रखना, वो हुड्डा के प्लॉट हैं, उन पे भी कब्जा कोई ले ना ले। किसी ने बना लिया फिर बिल्डोजर लगेगा, उन पे भी कब्जा करने के चक्कर में दौड़ने हैं। वैसे आपसे कहने के लिए आया हूँ, आपकी एक एक जमीन जितनी खाली है, कहीं एसडीओ के लिए बनाऊंगा, कहीं जेई के लिए बनाऊंगा, कहीं वहां पे पार्क बनाऊंगा, एक एक जमीन पर जो आपकी मार्केट है उसे सुंदर बनाने का काम करूंगा।